आज हम बनाएंगे मिक्स्ड लीव्स का पराठा और तुरई की सब्जी। पर सर्विंग इस डिश का ग्लाइसेमिक लोड 5.16 है। पराठा बनाने के लिए एक बोल में 50 ग्राम डाइबेक्सी आटा ले लेंगे। उसमें स्वाद अनुसार न्यूट्रोएक्टिव मिनरल सॉल्ट ऐड करेंगे। एक टीस्पून अजवाइन, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून करी पाउडर। इसमें हम 15 ग्राम मिक्स्ड पत्ते ले लेंगे। आप अपनी पसंद के कोई भी पत्ते ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पालक, मेथी, चौलाई, बथवा। फिर हम इसमें एक टेबलस्पून देसी घी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे और उसकी एक लोई बना लेंगे। इस लोई को हम थोड़ी देर ढक के रख लेंगे। एक लोई को हम अच्छे से रोटी के फॉर्म में बेल लेंगे। एक तवे पे उस पे घी लगाकर उसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। तोरई की सब्जी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ले लेंगे। उसमें हम 1 टीस्पून पंच फोरन ऐड करेंगे, 1 तेज पत्ता, 80 ग्राम रफली चॉप्ड प्याज ऐड कर लेंगे। पांच ग्राम रफली चॉप्ड हरी मिर्च। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उन्हें भून लेंगे। फिर इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और उसे भी अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें 100 ग्राम रफली चॉप्ड टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को थोड़ी देर कुक कर लेंगे। फिर इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे। इसमें स्वाद अनुसार न्यूट्रोएक्टिव मिनरल सॉल्ट ऐड करेंगे। फिर इसमें 500 ग्राम तुरई ऐड करेंगे और अच्छे से सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई में ढक्कन लगा के सब्जी को 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। आपकी तुरई की सब्जी तैयार है। सर्व करने से पहले तुरई की सब्जी को धनिया से गार्निश कर लेंगे और 2 पराठों के साथ गरम गरम सर्व करेंगे। पर सर्विंग इस डिश का ग्लाइसेमिक लोड 5.16 है।